हेलो गाइस, स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रियलमी के स्मार्ट वॉच और रेडमी के स्मार्ट वॉच के बारे में, लेके एक डिटेल कंपैरिजन इन दोनों स्मार्ट वॉचेस का, और देखते हैं गाइस कौन सा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज। तो अभी दोस्तों दोनों स्मार्ट वॉचेस की अगर हम बात करें तो रियलमी की जो प्राइसिंग चल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 3499 है। वहीं दोस्तों रेडमी की स्मार्ट वॉच जो है दोस्तों उसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपये के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाती है। एक बहुत ही बड़ा स्लाइड डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है कि GPS जो है वो Redmi की स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिलता है, वहीं GPS का नहीं मिलता है सपोर्ट आपको Realme की स्मार्ट वॉच में। अब इसके अलावा गाइस अगर हम यहाँ पे देखें कि कंपैरिजन में कौन सा स्मार्ट वॉच ज़्यादा बेटर है, तो दोस्तों Realme का जो स्मार्ट वॉच है ये भी 1.4 इंचेस का है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, वहीं दोस्तों यहाँ पे Redmi की स्मार्ट वॉच भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही बड़ी 1.4 इंचेस की आ रही है, जहाँ पे दोस्तों आपको अप्रॉक्सीमेटली TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले वगैरह सब कुछ लगभग सिमिलर है। इसके अलावा अगर हम बैटरीज वगैरह की बात करें, दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 9 डेज का बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही दोस्तों 5 ATM तक वाटर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि दोनों में वाटर डीप डेप्थ इनसाइड 50 meters तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऑल्दो अगर हम बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली रियलमी की स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिल जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 14 स्पोर्ट्स मोड, वहीं दोस्तों Redmi की स्मार्ट वॉच में अप्रॉक्सीमेटली 11 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको इनबिल्ट स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, यानी दोस्तों आप फोन कट कर सकते हैं, ऑल्दो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, कैमरा शटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कुछ अगर लैग कर रहा है दोस्तों वो है दोस्तों SPDO सेंसर, जो आपको Redmi की स्मार्ट वॉच में शायद नहीं देखने को मिलता है। यहीं दोस्तों Realme की वॉच में आपको एक्स्ट्रा में ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा हर्ट एंड मॉनिटरिंग सेंसर्स ऑल ओवर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ठीक है दोस्तों। बट अगर बात करें GPS की, तो दोस्तों 500 रुपये लगा के आपको GPS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा Redmi की स्मार्ट वॉच में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके लिए Redmi की स्मार्ट वॉच लेना ज़्यादा बेटर भी रहेगा, क्योंकि अभी नई नई स्मार्ट वॉच आई है। और इसके अलावा दोस्तों Realme भी अपनी नई स्मार्ट वॉच पर काम कर रहा है, स्मार्ट वॉच 2 आने वाली है दोस्तों Realme की बहुत ही जल्द, जिसकी अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग भी 3999 ही आसपास में है और इसी के अप्रॉक्स में निकलने वाली है। दोस्तों ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ कौन सा स्मार्ट वॉच ज़्यादा बेटर है, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो Redmi की स्मार्ट वॉच ज़्यादा लेना बेटर रहेगा। प्राइसेज वगैरह भी सही हैं, और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह मोड्स होंगे तो वो भी ज़्यादा बेटर और अच्छे होंगे Realme की स्मार्ट वॉच से। बाकी दोस्तों आज की वीडियो करते मैं होप आपको अच्छी वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।